वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ अपना बेस्ट कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कुर्ता एंड कुर्ता सेट, दुपट्टा सेट है। तो ये काफी ब्यूटीफुल है, आप डेली वेयर एंड ऑफिस एंड कॉलेज में पहन सकते हैं। इन सभी के कोड एंड लिंक्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ये काइंड ऑफ मिक्सअप ऑल होने वाला है। इसमें मैंने मीशो और अमेजोन का कलेक्शन लिया, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो जल्दी से चलते हैं अपने कलेक्शन की ओर। सो गाइस, अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। सो गाइस, जो ये मेरा फर्स्ट कुर्ता है, ये मैंने 500 समथिंग का लिया था, 594 रुपीज का। ये कुर्ता एंड दुपट्टा काफी ब्यूटीफुल है, तो आप किसी पार्टी वगैरह में जा रही है तो भी पहन के जा सकते हैं। कुछ इस तरीके का आपको उसमें कुर्ता आएगा। नेक के पास आपको इस तरीके का गोटा पट्टी का वर्क देके रखा गया, पूरा प्रिंटेड मिलने वाला है, जॉर्जेट फैब्रिक में मिलेगा। फुल स्लीव आपको इसमें देख के रखी गई है, एंड ओवरऑल नीचे से आपको पूरा अनारकली लुक का फ्लेयर देके रखा गया है। जो इसके ऊपर प्रिंट है वो आपको कुछ इस टाइप का मिलने वाला है, फ्लावर का रोज प्रिंट होता है पिंक कलर में, और ये मतलब लाइट पिंक या गाजी कलर आप इसको बोल सकते हैं। काफी ब्यूटीफुल सा इसका लुक आ रहा था ओवरऑल ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जॉर्जेट फैब्रिक में मैंने अपने लिए इसका स्मॉल साइज मंगाया था, वहां पे आपको डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल तक साइज के अवेलेबल है। एंड ये ओवरऑल कुर्ता मुझे काफी ब्यूटीफुल लग रहा था। बैक साइड में भी आपको सेम प्रिंट देके रखा गया है। ये आपको सपोर्ट के लिए स्ट्रिंग देके रखी गई है, जिससे आप इसको अपना टाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का छोटा सा वर्क देके रखा गया है। ओवरऑल ये कुर्ता मुझे काफी अच्छा लग रहा था। समर्स के लिए अकॉर्डिंग कमर मतलब जो कलर है वो भी काफी अच्छा है, एंड इसका जो जॉर्जेट का फैब्रिक है वो भी काफी अच्छा सॉफ्ट था, ऐसा कुछ नहीं चुभने वाला नहीं है बिल्कुल भी। इसके अंदर जो आपको इनर फैब्रिक देके रखा गया उसका भी मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, कुछ भी चुभने वाला नहीं है। कुछ इस तरीके के साटन का फैब्रिक आपको देके रखा गया। हाँ, बट मैं इसको ज्यादा गर्मी और समर्स के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी। नॉर्मल समर्स है, अभी जैसा मौसम चल रहा है तो आप इसे वियर कर सकते हो, बट ज्यादा गर्मी पड़ने लगी तो ये थोड़ा सा पहनने में आपको अनकंफर्टेबल होगा। दुपट्टा देके रखा गया, दुपट्टा भी ओवरऑल सेम प्रिंट पे देके रखा गया है। कुछ इस टाइप का आपको दुपट्टे की जो लेंथ है वो काफी अच्छी है, विड्थ उतनी अच्छी नहीं है, नॉर्मल विड्थ का देके रखा गया है। जो साइड में इसमें गोटा पट्टी का वर्क देके रखा गया वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, कुछ इस तरीके का आपको देके रखा गया। ये बहुत ही लो क्वालिटी का है तो ज्यादा कुछ खास नहीं लगा, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस अगर आप कंपेयर करें तो ठीक है, नॉर्मल है। जो नेक्स्ट कलेक्शन है वो कुर्ता एंड दुपट्टा सेट है, जिसमें पूरा आपको कुर्ता दुपट्टा एंड पैंट मिलने वाला है। ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगी फॉर ऑफिस कॉलेज एंड आप कहीं भी पहन के जाना चाह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये पीस है। कुछ इस तरीके का आपको इसमें कुर्ता देके रखा गया है, कुर्ता काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इस टाइप का आपको राउंड में नेक देके रखा गया है, नेक के पास आपको ब्यूटीफुल सा फैब्रिक का वर्क देके रखा गया है। 3/4 स्लीव देके रखी गई, स्लीव के बॉटम में भी सेम फैब्रिक का वर्क मिल रहा है। जो मतलब की कुर्ते का फैब्रिक है वो आपको कॉटन में मिलने वाला है, पूरा एंकल लेंथ तक का आपका कुर्ता जाने वाला है। ओवरऑल कुर्ता पूरा आपको प्लेन देके रखा गया, बैक साइड में भी आपको पूरा प्लेन कुर्ता मिलने वाला है। इसमें काफी सारे कलर भी अवेलेबल थे, मैंने अपने लिए स्मॉल साइज मंगाया था, वहां पे आपको इसका डबल एक्सएल तक साइज अवेलेबल मिल जाएगा। इसका जो पैंट है उसका लुक मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, कुछ इस टाइप की आपको इसमें पैंट देके रखी गई, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी। सामने से आपको इसमें बेल्ट का लुक देके रखा गया, बैक साइड में आपको इसका इलास्टिक का लुक देके रखा गया, साइड में आपको पॉकेट भी देके रखी गई है कि आप अपना इजीली फोन वगैरह कैरी कर सकते हैं, और कुछ इस टाइप का पूरा आपको नीचे से लुक देके रखा गया। अच्छा खासा थोड़ा सा फ्लेयर्ड भी देके रखा गया है, जिसे आप कंफर्टेबली उठ और बैठ सकते हैं। एंड बॉटम में भी आपको सेम डिजाइन देके रखी गई है, जो कि आपके नेक एंड हैंड के पास थी। इसके संग आपको दुपट्टा मिलने वाला है, दुपट्टा मुझे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, और दुपट्टा सच में इन्होंने काफी अच्छा दिया। सूती कॉटन टाइप का आपको उसमें दुपट्टा देके रखा गया है, एंड दुपट्टा ना जो प्रिंट वाइज देके रखा गया वो भी मुझे काफी ब्यूटीफुल लग रहा था। कुछ इस टाइप का मतलब सेम प्रिंट देके रखा गया ओवरऑल, बट दुपट्टा इसके साथ काफी ज्यादा अच्छा जा रहा था। कुछ इस टाइप का आपको पूरे दुपट्टे का बॉर्डर मिलने वाला है, इनका काफी अच्छा लगा, क्योंकि दुपट्टे का लेंथ और वेथ बहुत अच्छा है। आप मतलब अगर ये कुर्ती भी बनाना चाहेंगे तो नॉर्मल आपकी ये कुर्ती भी नॉर्मल बन जाएगी। ये कुर्ता सेट मैंने मीशो से लिया था, जस्ट 400 समथिंग का ही ये मुझे मिला था। ये भी कुर्ता सेट मैं बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंड करूंगी, मोस्ट फेवरेट कुर्ता सेट है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है। कुछ इस टाइप का आपको राउंड में नेक देके रखा गया है, नेक के पास आपको इस तरह की फैब्रिक का वर्क देके रखा गया है, साइड में आपको जिगजैग की डिटेलिंग देके रखी गई है, जो बहुत ही अच्छा एंड प्यारा वर्क करके इन्होंने रखा है। 3/4 स्लीव देके रखी गई, स्लीव के बॉटम में कुछ इस टाइप के आपको फैब्रिक का पूरा वर्क मिलने वाला है। मुझे इनका वर्क लिटरली काफी अच्छा लगा था, बहुत फाइन वर्क है, एंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि रफली कोई वर्क इसमें करके रखा गया, और कॉलेज और ऑफिस के लिए तो एकदम परफेक्ट है। डेली वेयर में भी आप इसको पहन सकते हैं, एंड इन्होंने जिगजैग डिटेलिंग देके रखी, उसके कारण आप चाहे तो नॉर्मल किसी फंक्शन में भी इसको इजिली पहन के जा सकते हैं छोटे मोटे। कुछ इस टाइप का आपको पूरे एंकल लेंथ तक का देके रखा गया है। प्रिंट जिसका प्रिंट है वो कुर्ते के साथ का प्रिंट है, तो प्रिंट बिल्कुल भी इसका फेड नहीं होने वाला है। ये मैंने लास्ट साइज
साइज में मंगाया था तो ये मुझे हल्का सा लूज हो रहा था, तो आप अपने अकॉर्डिंग मंगाई गया। इस संग आपको पैंट देके रखी गई है। पैंट का लुक मुझे थोड़ा सा कम पसंद आया था, अगर प्लेन होती तो वो ज्यादा अच्छा लगता, बट ये भी इसके संग काफी ज्यादा अच्छी जा रही थी। वन साइड पॉकेट भी आपको इसमें भी देके रखी गई है, पॉकेट की भी लेंथ अच्छी खासी देके रखी गई। प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है, मतलब ऐसा टाइट नहीं कि आपको गर्मी में इरिटेट करेगी। एंड जो फ्लेयर्ड है नीचे से पैंट का वो भी अच्छा देके रखा गया। ये नेक्स्ट कुर्ती है, इसमें तो मेरे संग एक फॉल्ट हो गई थी, मुझे लगा इसके संग पैंट भी आ रही है, बट इसके संग पैंट नहीं, ऐसे भी कुर्ता आया है। लेकिन सच में ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये मैंने अमेजोन से 300 समथिंग का लिया था, लेकिन मैं इसको हाई रिकमेंड करूंगी फॉर समर्स के लिए। काफी ब्यूटीफुल सा लुक दे रही है, कुछ इस टाइप के आपको इसमें कुर्ती देके रखी है। कुर्ती के पास आपको गोल्डन प्रिंट मिलने वाला है। इसमें आपको स्लीव देके रखी गई है, स्लीव का फैब्रिक आपको जॉर्जेट में देके रखा गया है, बॉटम में कुछ ऐसा प्रिंट आपको देके रखा गया। जिसके नेक के पास का जो प्रिंट है मे भी वो निकल सकता है, तो आप मे भी ध्यान से रखिएगा, मशीन भी वॉश मत करिएगा, हैंड वॉश करेंगे तो नॉर्मली अच्छा लंबा चलेगा। पूरी एंकल लेंथ तक का आपको देखे रखा गया है, बॉटम में भी आपको सेम बॉर्डर देखे रखा गया, उसके कारण बहुत प्रिटी लग रहा था। इसके आप अगर प्लेन ब्लैक कलर की पैंट पहनेंगे तो काफी ब्यूटीफुल लगेगा, अगर आपके पास प्लाजो वगैरह है ब्लैक कलर का तो बहुत ब्यूटीफुल सा लुक आएगा। एंड पार्टीज वगैरह के लिए समर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, और अकॉर्डिंग टू 300 ये बहुत ज्यादा प्रिटी आया है। मैं आपको यहाँ पे गाइस स्लिट भी देके रखा गया है दोनों साइड, जो काफी ब्यूटीफुल सा इसको और अच्छा पार्टी वेयर लुक दे रहा है, तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि मुझे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ये मैंने मीशो से मंगाया था, ये भी 400 समथिंग का था, कुछ ऐसे ब्लू कलर का था। इसके काफी सारे कलर अवेलेबल है, रेयन फैब्रिक में आपको ये मिलने वाला है। कुछ इस टाइप का आपको प्रिंट देके रखा गया है, राउंड में आपको नेक देके रखा गया है, और कुछ इस टाइप का पूरा आपको 3-4 स्लीव मिलने वाली, स्लीव के बॉटम में आपको कुछ इस टाइप की आपको डिजाइन मिलने वाली है। ये पूरा इस तरीके का आपको कुर्ता आने वाला है। ये गाइस सच में मुझे इतना ज्यादा इरिटेट कर रहा था, क्योंकि ना यहाँ से जो इसका है यहाँ से बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा टाइट हो रहा था कि नीचे जाके, तो बिल्कुल ही वो ऊपर से आपको बैलून का लुक दे रहा था। इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि कोई बाय करे, अगर कोई बाय करता तो अगर किसी को अच्छा लगता तो कर सकता है, लेकिन आपको मे भी ये ध्यान रखना होगा कि ये सिलाई है आपको ऊपर तक ओपन करानी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ ये काफी आपके कमर के नीचे तक जाती है, तो फिर वो आपको अनकंफर्टेबल एकदम फील करा देती है। एंड इसके संग आपको प्लाजो लुक में देख के रखा गया है, कुछ इस तरीके का पूरा पैटर्न देख के रखा गया, राउंड प्रिंट देख के रखा गया, बॉटम में आपको कुछ इस तरीके का प्रिंट मिलने वाला है। प्लास्टिक की क्वालिटी तो ओवरऑल अच्छी, ओवरऑल ये पहनने के लिए घर में तो अच्छा है, लेकिन मैं इसको बाहर पहनने का रिकमेंड नहीं करूंगी, काफी ज्यादा बैगी सा लुक आता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो गाइज ये था मेरा मीशो और अमेजोन का छोटा सा हॉल, आई होप आपको पसंद आया। तो इनके लिंक कोड आपको अवेलेबल मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर से चेक कर लीजिएगा। एंड इसके बाद भी कोई क्वेरी तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।